हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम रिक्वायरमेंट। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी के ऑप्शन लेके आया हूं और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं प्रॉपर्टी के सारे डिटेल्स और सैम्पल फ्लैट टूर भी करवाने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी के लोकेशन से। ये जो प्रॉपर्टी आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये तथावरे लोकेशन में डेवलप किया जा रहा है। अगर बात की जाए, ये लोकेशन आपको PCMC के अंडर मिल जाता है। एंड एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, इस प्रोजेक्ट में आपको गैस पाइपलाइन के भी प्रोविज़न मिल जाते हैं। और ये प्रॉपर्टी आपको हाईवे और नियर बाय वाकर भूमकर चौक मिल जाता है। और इस प्रॉपर्टी से आपको देखा जाए तो अपकमिंग फिनिक्स मॉल, अपकमिंग डी मार्ट और अपकमिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी मिल जाता है। अब चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, ये टोटल 6 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पर आपको 6 टावर मिल जाते हैं और अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2 टावर की लॉन्चिंग कर दी गई है। यहाँ पे आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK मिल जाते हैं और सारे फ्लैट में आपको डबल बालकनी के ऑप्शन मिल जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पे आपको बेसमेंट 1+ ग्राउंड कार पार्किंग मिल जाता है, उसके ऊपर आपको 22 रेजिडेंशियल फ्लोर मिल जाते हैं। अगर ये पार्टिकुलर फ्लैट्स की बात की जाए तो यहाँ से आपको हाईवे फेसिंग और एमिटीज़ फेसिंग मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम आपको दिखने में लगता है। और इस प्रोजेक्ट में आपको मैक्सिमम ओपन स्पेस मिल जाता है। एंड देखा जाए, ये जो प्रॉपर्टी है, ये IGBC से सर्टिफाइड आपको मिल जाता है। अगर इस प्रॉपर्टी की पोजीशन की बात की जाए तो आपको दिसंबर 2025 में ये प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है। अगर आपको डबल कार पार्किंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको एक्स्ट्रा कार पार्किंग परचेज करना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट में फुलफ़िल हो सकती है। आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। अब चलिए कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK मिल जाता है। अगर 2 BHK की कारपेट एरिया की बात की जाए तो वो आपको 715 से लेके 769 कारपेट एरिया तक का आपको 2 BHK मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 73 लाख से लेके 77 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब चलिए 3 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। 3 BHK में आपको यहाँ पे 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो आपको 982 कारपेट एरिया का 3 BHK मिल जाता है। अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 1.02 CR प्राइसिंग यहाँ पे मिल जाता है। 3 BHK में एक और वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 1028 कारपेट एरिया का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 1.07 CR ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब चलिए 4 BHK को डिस्कस कर लेते हैं। 4 BHK में भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो आपको 1335 कारपेट एरिया का 4 BHK मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 1.38 CR ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको एक और वेरिएंट मिल जाते हैं। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो आपको 1360 कारपेट एरिया का 4 BHK मिल जाता है। अगर उसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो आपको 1.41 CR ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब चलिए एमिनिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपको ऑल मॉडर्न लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ मिल जाता है। अगर देखा जाए तो सारे एज ग्रुप के लिए अलग अलग कैटेगराइज एमिनिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपको प्री लॉन्च स्टेज में मिल जाता है। यहाँ पर आप 51,000 और 1 लाख रुपीज़ का टोकन दे सकते हैं। और 1 लाख रुपीज़ का अगर आप टोकन देते हैं तो आप अपना यूनिट जो है वो अभी ही इस प्रोजेक्ट में होल्ड कर सकते हैं। अब चलिए सैम्पल फ्लैट का टूर भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, जो कि 3 BHK का रहने वाला है। अगर उसकी कारपेट एरिया की बात की जाए तो 1028 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट का टूर आज मैं करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी ऑप्शन लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब सैम्पल फ्लैट के टूर पे। तो आ चुके हैं सैम्पल फ्लैट के बाहर, जो कि 3 BHK का है। अगर इसके कारपेट एरिया की बात की जाए तो 1028 कारपेट एरिया का ये 3 BHK का सैम्पल फ्लैट का टूर आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। आप जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं, आपको कुछ इस तरीके से वाइट शेप में डोर मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है दिखने में। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको हुक्स वगैरह भी मिल जाता है, ताकि आप तोरण वगैरह जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अंदर की तरफ।
आप जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है। अगर इस लॉबी की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 8.6x5 साइज का आप यहाँ पे लॉबी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही स्पेसियस है। आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपना सू रैक का प्रोविज़न ईजिली कर सकते हैं। और लॉबी से आप जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं आपको इस तरफ जो है गेस्ट बेडरूम मिल जाता है। ये देखा जाए तो ये 3 BHK आपको बटरफ्लाई कंसेप्ट में मिल जाता है। गेस्ट बेडरूम आपको इस तरफ मिल जाता है और मास्टर और चिल्ड्रंस बेडरूम की बात की जाए वो आपको उस तरफ मिल जाता है, ताकि प्राइवेसी जो है वो हमेशा मेंटेन रहे। तो आइए गेस्ट बेडरूम को चेक करते हैं। अगर इस गेस्ट बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 12x10.6 साइज का यहाँ पे मिल जाता है। आप कुछ इस तरीके से अपना बेड का जो है इजली प्रोविज़न कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो सीटिंग मिल जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है आपको देखने में। आपके चिल्ड्रंस जो भी हैं वो ईजली इस तरफ बैठ के बाहर का व्यू वगैरह जो भी है वो इंजॉय ईजली कर सकते हैं। अब आइए गेस्ट बेडरूम को अटैच्ड ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। अगर इस वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो वो आपको 7.6x4.6 का यहाँ पे वॉशरूम आपको मिल जाता है। अगर इस वॉशरूम में देखा जाए तो इस तरफ आपको बेसिन एरिया कुछ इस तरीके से मिल जाता है, एंड इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है, और बेडिंग एरिया जो है वो आपको इस तरफ यहाँ पे मिल जाता है। अगर सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स की बात की जाए वो सारे आपको ब्रांडेड कंपनी के इस प्रोजेक्ट में मिल जाते हैं। और अगर ऊपर की तरफ देखा जाए फॉल सीलिंग आपको सेम एज इट इज़ LED लाइट्स के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो अगर आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप कुछ स्टडी टेबल या अपना वार्डरोब जो भी है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, या नहीं तो आप वर्क फ्रॉम होम स्टेशन भी यहाँ पे इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो आइए अब आगे के फ्लैट को चेक करते हैं। आप जैसे ही इस तरफ आते हैं आपको यहाँ पे ग्रैंड लिविंग और डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। अगर इस लिविंग और डाइनिंग स्पेस की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 18x6x12 साइज का आपको यहाँ पे लिविंग और डाइनिंग मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं तो आप कुछ इस तरीके से अपना सोफ़ा का जो है वो अरेंजमेंट कर सकते हैं। एल शेप में भी आप इजीली यहाँ तक अपना सोफ़ा का जो है वो इजीली अरेंजमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप सी शेप में भी सोफ़ा का अरेंजमेंट इजीली आप कर सकते हैं। अगर सामने की तरफ देखते हैं तो आप यहाँ पे टेलीविज़न का है जो है वो इजीली प्रोविज़न कर सकते हैं। और अगर इस तरफ देखा जाए तो आप अपना डाइनिंग एरिया का जो है वो इजीली सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 4 सीटर और 6 सीटर डाइनिंग एरिया इजीली आप सेटअप कर सकते हैं। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको पूजा स्पेस मिल जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस। ये बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि पूजा स्पेस जो है उनको ज़रूरी होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इस प्रोजेक्ट में जो है फुलफ़िल हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। लिविंग और डाइनिंग को लग के ही अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको किचन मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस किचन की साइजिंग की बात की जाए तो ये 10x8.9 साइज का आपको यहाँ पे किचन मिल जाता है। कुछ इस तरीके से एल शेप में जो है आपको ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं तो आपको फ्रिज के लिए जो है वो प्रॉपर स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है, पॉइंट्स डेडिकेटेडली आपको दिया गया है। और इस किचन में आपको इंक्लोज ड्राई बालकनी के साथ मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं आप, यहाँ पे आपको बेसिन स्पेस मिल जाता है टैप के साथ। और अगर वाटर प्योरीफायर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रोविज़न दिया गया है वाटर प्योरीफायर का, आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। अगर वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो वो आप इस तरफ कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। और अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको बड़े साइज का एक विंडो भी मिल जाता है, ताकि एयर वेंटिलेशन और लाइट वेंटिलेशन में आपको इस किचन में जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब आगे के फ्लैट को चेक करते हैं। लिविंग और डाइनिंग को लग के ही आपको इस तरफ जो है बालकनी मिल जाता है। तो आइए इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये 5x11.6 का आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाता है।
ये जो बालकनी है ये काफ़ी बड़े साइज़ का आपको मिल जाता है। आप सिट आउट इजली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन जो है वो इजली प्लान कर सकते हैं। नीचे में जो टाइलिंग आपको दिख रहा है वुडन फ्लोर टाइलिंग, वो सेम एज इट इज़ आपको इस बालकनी में मिलने वाला है। एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेलिंग भी है मिलने वाला है। और ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये बालकनी जो है आपको कवर रहने वाला है, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो ईजिली यहाँ पे मेंटेन रहे। तो आइए आप आगे की तरफ चलते। अगर आप इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उसके ऊपर जो है वो बेसिन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। एंड इस तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, तो आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। अगर इस कॉमन वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये 6.6 बाय 4.3 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरफ आपको बेडिंग एरिया मिल जाता है एंड इस तरफ आपको कमोड एरिया मिल जाता है। एंड ऊपर की तरफ जो फॉल सीलिंग आपको दिख रहा है वो सेम एज इट इज़ आपको इस वॉशरूम में मिलने वाला है। एंड यहाँ पे जो टाइलिंग का कलर यूज़ किया गया है, ये काफ़ी रिच कलर का टाइलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। अगर इस चिल्ड्रंस बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये आपको 10 बाय 11.3 साइज का आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस बेडरूम मिल जाता है। अगर इस तरफ देखते हैं आप तो आप कुछ बेड का, कुछ बड़े साइज का भी बेड का प्रोविज़न इजली यहाँ पे कर सकते हैं, या नहीं तो आप छोटे साइज का भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रोविज़न इजली कर सकते हैं। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे आपको बड़े साइज का जो है विंडो मिल जाता है कुछ इस तरीके से। बाहर की तरफ आपको ग्रिल मिल जाता है, नीचे की तरफ आपको ये फिक्स रहने वाला है एंड ऊपर की तरफ आपको ये स्लाइडिंग कुछ बड़े साइज का विंडो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप कुछ इस तरफ अपना स्टडी टेबल जो है वो इजीली अरेंजमेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और अगर इस तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो है आप कबर्ड का जो है वो इजीली प्रोविज़न कर सकते हैं। तो आइए आप आगे की तरफ चलते। अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। अगर इस मास्टर बेडरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये मास्टर बेडरूम आपको 12.6 बाय 11 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप मास्टर बेडरूम में यहाँ पे जो है आप अपना बेड का जो है सेटअप इजली कर सकते हैं। और सामने की तरफ देखा जाए तो अगर आपको टेलीविज़न का सेटअप करना है तो आप इस वॉल पर इजली टेलीविज़न का जो है वो सेटअप इजली कर सकते हैं। और वार्डरोब का जो है सेटअप वो यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे जो है अपना वार्डरोब इजीली सेटअप कर सकते हैं। इस मास्टर बेडरूम में एक बहुत ही अच्छी बात है, आपको इस साइड भी देखा जाए तो यहाँ भी विंडो मिल जाता है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आपका डोर बंद भी रहे तो क्रॉस वेंटिलेशन, आपको एयर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम इस मास्टर बेडरूम में नहीं आएगा। और मास्टर बेडरूम को अटैच्ड ही आपको मास्टर वॉशरूम में मिल जाता है, तो आइए इसे भी एक बार देख लें। अगर इस मास्टर वॉशरूम की साइजिंग की बात की जाए तो ये 5 बाय 8 साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। अगर आप देखते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, काफ़ी बड़े साइज का प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे अपना यूजफुल सामान जो है सोप या जो भी है आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पे भी रख सकते हैं इजली। एंड इस तरफ आपको बेसिन मिल जाता है, इस तरफ कमोड एरिया, एंड इस तरफ देखा जाए तो आपको बेडिंग एरिया जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। सीपी फिटिंग्स और सैनिटरी फिटिंग्स सारे ब्रांडेड कंपनी के आपको इस वॉशरूम में मिल जाते हैं। और ऊपर की तरफ जो है ये फॉल सीलिंग भी आपको इस वॉशरूम में मिल जाता है। तो आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। और अगर देखा जाए तो इस मास्टर बेडरूम से अटैच्ड आपको बालकनी भी मिल जाता है। यहाँ पे जो 2 BHK, 3 BHK या 4 BHK है सब में आपको डबल बालकनी मिल जाते हैं। तो आइए बालकनी को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इस बालकनी की साइजिंग की बात की जाए तो ये 6 बाय 6 बाय 4.9 साइज का आपको यहाँ पे बालकनी मिल जाता है कुछ इस तरीके से। आपको रेलिंग मिल जाता है, ये बालकनी जो है ये ऊपर से भी आपको कवर रहने वाला है, ताकि आपकी प्राइवेसी जो है वो इजली यहाँ पे मेंटेन रहे। और नीचे की तरफ जो टाइलिंग आपको दिख रहा है वुडन फ्लोर टाइलिंग, वो सेम एज इट इज़ आपको इस बालकनी में मिलने वाला है। तो आइए आगे की तरफ आते हैं।
आई होप आपको आज का ये सैम्पल फ्लैट टूर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमें 7992475409 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉपर्टी किन के लिए है। अगर आप 2-3-4 BHK देख रहे हैं, अच्छे लोकेशन पे देख रहे हैं, नियर बाय वाकर भूमकर चौक देख रहे हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल्फ यूज़ और इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज़ के लिए आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से आपको नियर बाय बड़े बड़े कॉलेजेस मिल जाते हैं, स्कूल्स मिल जाता है, हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए पुणे के बेस्ट न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी के वीडियोज़ लाते रहें और आप इसे घर बैठे भी इजी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप अगले न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।